Hey everyone, this is राहुल मित्तल फ्रॉम लखनऊ. वेलकम टू माई YouTube चैनल. दोस्तों आप सब कैसे हैं? दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो रेड बटन दबा के चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा के नोटिफिकेशन ऑन करें ताकि जो भी वीडियो मैं अपडेट करूं उसका नोटिफिकेशन आपको हर दिन मिल सके और हर दिन कुछ ना कुछ आप नया सीख सकें. मेरे चैनल पे आपको ड्राइविंग से रिलेटेड, मैकेनिकल से रिलेटेड, सेकेंड हैंड कार से रिलेटेड इस तरह की वीडियोज़ मिलती रहती हैं. और आज मेरे साथ हैं मेरी स्टूडेंट जो कि बहुत ही एक्साइटेड है. हेलो मैम, गुड इवनिंग. क्या नाम है आपका? गुड इवनिंग, सुमन गुप्ता. सुमन गुप्ता, अच्छा गुप्ता जी हैं आप, क्या बात है. तो आज तो फिर बतासे खिलाएंगी, पानी पूरी, गोलगप्पे, क्या खिलाएंगी तीनों में से? जो आपकी इच्छा हो. तीनों का नाम तो एक ही है, गोलगप्पे, पानी पूरी, बतासे हैं तो एक ही चीज. चलो कोई नहीं, भगवान आपका भला करें. तो अभी आज कितने दिन हो जाएंगे आपको? 7 क्लासेस आज हो जाएंगे आपकी. जी. 7 घंटे हो गए आपको इसको चलाते हुए. जी, जी. तो अब आप अकेले गाड़ी ले जा सकती हैं? जी. आज आपने पोर्च से अकेले निकाली? जी. किसी ने कोई मदद करी? नहीं करी. अकेले निकालना और अकेले रखना. आपका जो पोर्च है थोड़ा ऊंचाई पे ज्यादा है. जी, जी, जी. वो करीब करीब 3-4 फीट ऊपर है रोड से. तो वहाँ पे थोड़ा सा पीछे खड़े होना जरूरी, क्योंकि बिजी रोड है आपके घर के सामने. कभी बाइक, कभी साइकिल, कभी कुछ नहीं, कुछ निकलता रहता है. तो अभी हम लोग चल रहे हैं यहाँ से भूतनाथ. ठीक है, अगले चौराहे से राइट चलना है. अच्छा. तो आज मैं आपको थोड़ा बम्फर टू बम्फर कराऊंगा. ठीक है जी. और फिर भूतनाथ में लेके चल के पाव भाजी खिलाऊंगा. ठीक है जी. वो हमें पता है कि आप लोगों का फास्ट है, इसीलिए कह रहा हूँ मैं. अगर नहीं होता तो शायद नहीं कहता. तो अगले चौराहे से हमें राइट जाना है जी. और चौराहे से राइट टर्निंग से कितना पहले सिग्नल दोगे आप राइट का? अभी मैं बल्कि दे दूंगी. अभी नहीं, 100 मीटर बिफोर. हाँ चलो अब राइट ही दबा के रखो धीरे से. हम लोग को राइट जाना है तो गाड़ी अपनी राइट दबाओ धीरे धीरे. हाँ धीरे 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 राइट दबाओ ताकि कोई आपके राइट से ना निकल पाए. अच्छा. अगर वो निकलने लगा तो वो हमेशा के लिए निकल जाएगा फिर. जी. समझ रहे हैं? अभी यहाँ पे जाने दो, हाफ क्लच पे निकाल लो धीरे धीरे. चलो कोई बात नहीं, चलते रहो धीरे धीरे. वेरी गुड, बहुत बढ़िया. क्या गियर चेंज किया मैडम आपने, कहाँ से सीखा इतना अच्छा गियर चेंज करना? बस जाओ धीरे धीरे धीरे. हाँ बस चलो. एक काम करो, यहाँ से राइट ले लो. अभी राइट स्लो करो, स्लो. हाँ राइट टर्न करो धीरे धीरे. जाओ सिग्नल दो, प्लान चेंज. जाओ धीरे धीरे खिसकाओ धीरे आराम से. हाँ इनको भैया जी को निकल जाने दो. भैया मैं सोच रहा हूँ ये निकल जाए पहले. खिसकाओ धीरे 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 चलते रहो धीरे धीरे. जाओ जाओ. आप चिंता ना कीजिए. नहीं चिंता हमें नहीं करनी, चिंता आपको करनी है. हमको काहे की चिंता करनी है? एक घंटे बाद गाड़ी के नीचे हम, मतलब गाड़ी से उतर जाएंगे. बढ़ाओ स्पीड, बढ़ाओ. चलो बढ़ा के सेकंड गियर करो जल्दी से. जी. चलो चलो. हाँ गजब, क्या बात है. ये कोरोना वाले मरीज गाड़ी में नहीं बैठेंगे मेरे, हमको भी बीमार कर दोगे आप. मास्क लगा के आया करो कल से. स्पीड बढ़ाओ, जाने दो. गुड. अभी देखा माइंड कब कहाँ चेंज हो जाता, कुछ पता नहीं होता है. पहले मैंने घर से जब आपको निकाला तो क्या कहा था? इंजीनियरिंग कॉलेज चलेंगे. उसके बाद क्या हुआ? भूतनाथ. फिर अभी नहीं, मुसी पुलिया के बाद आपने भूतनाथ. हाँ अभी जिनेश्वर चल रहे. अच्छा जिनेश्वर चल रहे. माइंड चेंज. ओके चलो बस धीरे धीरे निकालते रहो गाड़ी. अगले चौराहे से लेफ्ट ले लो, सीधा बंदे से होते हुए 1090, 1090 से जिनेश्वर जी. और उसके बाद उधर से गोमती नगर होते हुए सड़क पे मुझे जाना भी है अपने ऑफिस के लिए. तो मैं बस, अरे देखो मन की बात हो गई ना आपकी. कहते हैं कि आपने जो सोचा हमें पता चल गया. आप सोच रही थी कि काश मेरे ऑफिस तक लेके जाए मुझे ये, है ना. बस यहीं से लेफ्ट का सिग्नल दो जी. हर बात पे जीना किया करो, कभी ना भी कर दिया करो. स्लो करो, ब्रेक पे पैर रखो. कोई बात नहीं, स्टूडेंट की बात है, कभी कभी सुनना आदत डालनी पड़ेगी. यहीं से बोलना है? हाँ यहीं से, प्यार से एकदम हल्के. हाँ स्लोली स्लोली हल्का लेफ्ट आओ. बस धीरे 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 टर्न करो, घबराओ मत. चलो अपना लेफ्ट ही दबा के रखो. अब ज्यादा राइट लेके चली गई. बहुत प्यार थे. वेरी गुड गजब, क्या बात है मैडम, कितना अच्छे से आपने टर्न किया. क्या खाई आज? सच सच बताइएगा. अच्छा आज तो फास्ट है आपका. आज माता जी के दर्शन करके आए. ओहो तब भी तो. हल्का लेफ्ट आओ, यहाँ पे आपको गाड़ी रोकनी जहाँ पे ये बकरियाँ हैं. और लेफ्ट आओ, थोड़ा सा कुछ सिखाऊंगा मैं आपको. अच्छा. और लेफ्ट आओ. और बस लेफ्ट आओ, लेफ्ट. अब रोको, स्टॉप. पूरा क्लच स्टीयरिंग सही से पकड़ा करो जब गाड़ी रोका करो. 3 और 9 पे पकड़ो, स्टीयरिंग सीधी करो, हल्का लेफ्ट लाओ. अब ऐसे इस तरीके के पुल पे या ओवर ब्रिज पे अगर जाम लग जाता है किसी कारण, जाम लग जाता है और आपके पीछे भी गाड़ी और आगे भी गाड़ी है, तो
नॉर्मली क्या करते हैं जब हम गाड़ी बढ़ाते हैं तो पहले ब्रेक छोड़ते हैं फिर क्लच छोड़ते हैं, हाँ। यहाँ पे उल्टा करना है। सबसे पहले तो आपका गियर होना चाहिए फर्स्ट, कौन सा? फर्स्ट। उसके बाद आपको ब्रेक नहीं छोड़ना है। अच्छा। ब्रेक छोड़ोगे तो कहाँ जाएगी गाड़ी? पीछे चली जाएगी। तो पिछली गाड़ी में ठोक दोगे तो वो फिर आके क्या कहेगा? गालियां देगा ना, वो गाली सुनने की आदत नहीं है। नहीं। तो अभी क्या करना है आपको? हाफ क्लच छोड़ना है। अच्छा। बकरियों के चक्कर में ना रहो, कोई दिक्कत नहीं, पैसा बहुत है। हाफ क्लच छोड़ना है, ब्रेक दबाए रहो और हाफ क्लच छोड़ो। जैसे ही इंजन वाइब्रेट करने लगे बस ब्रेक को रिलीज कर देना। अब छोड़ो ब्रेक, अब वेरी गुड, लेफ्ट ही रखो। कहाँ जा रहे हो? रोको फिर, स्टॉप। स्टीयरिंग क्यों टेढ़ी कर दे रहे हो? अच्छा, अभी आपके इधर दो मैम 2 से 2.5 फीट जगह है। ये देखो, यहाँ से देखो, ये देखो। अभी आपको फिर वही सेम चीज। अच्छा, गाड़ी चलानी नहीं है, 1 फीट बढ़ा के रोक लेना है। लेफ्ट आओ हल्का और अब वेरी गुड, स्टॉप, गुड। बिना हैंड ब्रेक की गाड़ी बढ़ गई। हाँ। अक्सर आप किसी बेसमेंट वाली पार्किंग में गाड़ी लगाओगे या मॉल में या अपने पोर्च पे भी चढ़ाओगे तो इसकी जरूरत पड़ेगी। अच्छा। ठीक है, हमारे पोर्च पे भी ऐसे चढ़ जाएगी। यही सेम। अच्छा ठीक है, ठीक है। अभी स्टीयरिंग सीधा करो, अब ब्रेक छोड़ो। हाँ छोड़ो, ब्रेक छोड़ो। हाँ। पीछे शीशा देखो, जाने दो। अरे साइड मिरर। हाँ। देखो। हाँ ठीक, और जाओ पीछे, पीछे लोग आ रहे हैं। हाँ। और जाओ और गुड, वेरी गुड। अभी 2 से 3 बार इसी की और प्रैक्टिस करनी है। अच्छा, फिर चढ़ाओ, फिर रोको, फिर चढ़ाओ। अब क्यों पीछे जा रही हो? अब आगे की प्रैक्टिस करनी है। फर्स्ट गियर ऑलरेडी है, कुछ नहीं करना है, बस हाफ क्लच छोड़ के फिर ब्रेक को रिलीज करो जी। ताकि ये चीज आनी बहुत जरूरी है हिली एरिया में जो कार को चलाते हैं। ब्रेक छोड़ो, अगर ब्रेक छोड़ने में आप लेट हो गई तो इंजन बुझ जाएगा। अभी फिर रोको धीरे से, अब गजब, बस फिर रोको। अभी इस बार गाड़ी बंद होने वाली थी, वो तो अंधे के हाथ बटेर लग गई, तुक्का लग गया आपका। हाँ, ब्रेक बहुत लेट छोड़ा आपने। चलो ऊपर लेके चलो। हाँ ऊपर ही चलना है। अच्छा, ऊपर रोड पे चलना है, ऊपर नहीं चलना है। बस अब धीरे धीरे कर दिया ना आपने? नहीं, ब्रेक तो मैं सुबह से ही किया। अरे मैडम क्या बताएं, स्टार्ट करो गाड़ी क्लच दबा के, ब्रेक लेके बस। अभी आपने क्लच ज्यादा छोड़ दिया यहाँ पे। अच्छा, इस वजह से। हाँ, बहुत लेट समझते हो आप। ठीक, अब क्या करना है? ऊपर ही जाना है। अब करना है क्या? हम और सपना उतर रहे हैं, पीछे धक्का लगाएंगे गाड़ी में। अरे मैडम भाई, हाफ क्लच छोड़ो, धीरे से ब्रेक छोड़ो, गाड़ी बढ़ा लो। अच्छा। तभी तो मेरा वजन नहीं बढ़ रहा है, ऐसी ऐसी मैडमें मिल जाती है। देखो, अरे ब्रेक पहले नहीं छोड़ना है। हाँ मैडम, रोना आ जाएगा मुझे। लेफ्ट आओ धीरे धीरे। हाँ, मैं ऐसे प्रैक्टिस कर लूंगी सपना के साथ सुबह। हाँ, सपना के साथ ही करना आप। हाँ। बस चलो बढ़ाओ, दोनों मेरे ट्रेनर, आप दोनों को सिखाने से बहुत डरते हैं। एक जो उस दिन आया था, अगर भैया हमको कोई और बंदा दे दो, पर उनके साथ ना भेजो, आपके साथ। हाँ, आपके साथ, कहीं उनके साथ ना भेजो, उनको आता पता कुछ है नहीं, कब कहाँ भिड़ा दे, कोई भरोसा नहीं है। तो देख लो कितना बड़ा रिक्स लेके मैं आपके साथ। हालांकि आप चलाती हैं अच्छा, आज तो बहुत अच्छा चला रही, टच गुड, नज़र ना लगे, हालांकि गुरु की नज़र नहीं लगती है। ठीक, वेरी गुड। अभी इधर लेफ्ट वाली लाइन में आओ, लेफ्ट वाली, ठीक, और लेफ्ट आओ थोड़ा, और लेफ्ट आओ, बस यहीं पर रोकना है पूरा क्लच। धीरे से ब्रेक रोक दो बस। अब धीरे से इसको न्यूट्रल करके बैक गियर डालो। अच्छा। सपना जी थोड़ा सा साइड प्लीज, बस बैक गियर डालो। हाँ, बैक गियर। अभी इस मिरर में देख के बैक करना है, लुकिंग ग्लास में। ठीक, पीछे लो, गर्दन घुमाने की जरूरत नहीं, हल्का ऊपर कर लो। हाँ, बस चलो। देखो भैया जी पीछे आ गए हैं, लड़ रहे हैं, कह रहे हम चलाएंगे स्कूटी, वो कह रहे हम चलाएंगे। हट जाओ, हॉर्न बजाओ धीरे से, जाओ 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 जाओ, हाँ गुड, जाओ धीरे, जाओ धीरे धीरे, यार नई स्कूटी है, देख रहे हो, जाओ धीरे, एकदम धीरे धीरे चलते रहो। लड्डू बैठ जाओ बेटा, राम सिंह बैठो, जाने दो धीरे धीरे, चलो चल। हाँ, पीछे कोई नहीं, जाने दो, जहां तक ले जा सकती हो आप। हल्का राइट रखो, जाने दो, और राइट और राइट और राइट और राइट, बस अब रोक लो पूरा क्लच, देयर इज ब्रेक। अब फर्स्ट गियर करो और बढ़ा लो सीधा सीधा, चलो राइट वाला मिरर चेक किया था आपने गाड़ी बढ़ाने से पहले? सच सच बताइएगा ईमानदारी से। नहीं, नहीं चेक किया ना? नहीं।
मुझे पता था ना, नहीं यही कांड, ऐसे कांड करती हैं आप, बढ़ाइए कर्म करने से कुछ नहीं हो रहा है तो कांड करके देखो, बढ़ाइए स्पीड, देखो देखो तभी तुम्हें बढ़ा नहीं रही हो आगे। लालू पासवान खड़े हैं, बढ़ा भी नहीं पाएगा ना। पत्थर उठा लिया उसने, देख लो हाथ में, कह रहे मार के फेंकेंगे, बढ़ाइए स्पीड, सेकंड गियर, गजब, बहुत बढ़िया, आज अच्छा चला रही है मैम। अब सीधा बरिस्ता ले लीजिए, एक कॉफी पी आते हैं इसी बात पे। ये देखो बिगिनर रेड लाइट के आ गए भाई साहब। तो दोस्तों आज बहुत ही ज़बरदस्त मैम चला रही, जिस हिसाब से आज इन्होंने गाड़ी निकाली, जिस एक्साइटमेंट के साथ, क्योंकि आज प्रभु के दर्शन करके आई हैं, और कर भला तो हो भला। तो दोस्तों अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं वीडियो कैसा लगा। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम, हंसते रहो मुस्कुराते रहो, फिर मिलेंगे।